Good morning, everyone. So today we are going to do stanza 4 and 5. So let's start stanza 4. The truth shall make us free. The truth shall make us free. The truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. Truth, यानी के fact, सत्य. Free, independent, यानी के आजाद. So by this stanza, poet क्या कहना चाह रहा है? Let's see. The poet says, poet कहता है that a day will come, एक दिन ऐसा आएगा, when all people would know, जब हर कोई इंसान जान जाएगा, what is truth, के सच्चाई क्या है, क्या सत्य है, and this truth will make us, और ये सच, ये सत्य, ये fact हमें क्या बनाएगा, this truth will make us free, ये हमें आजाद कर देगा, किससे? ये हमें आजाद करेगा from all illusions, हर तरह के illusion से. Illusion means मोह माया या भ्रांति, हर तरह की मोह माया से ये सच हमें आजाद कर देगा. The truth shall make us free. जब हर कोई व्यक्ति इस संसार में होने का सच जान जाएगा कि वह किस वजह से है और सच्चाई क्या है, उसके बाद हम हर तरह की मोह माया से बच सकते हैं. तो पॉइंट यही कहना चाह रहा है दैट ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, कि ये सच हमें एक दिन आज़ाद ज़रूर करवाएगा किसी सभी तरह की मोह माया से. उसे इस तरह का पूरा विश्वास है. Now move on to stanza 5. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. So poet क्या कहना चाह रहा है इसके through? We shall live in peace. यानी के peace. पीस मीन्स शांति, अर्थात होगी शांति चारों ओर. पॉइंट क्या कह रहा है? द पॉइंट सेज दैट, पॉइंट ने कहा है, पॉइंट कहता है कि ही हैज फर्म बिलीफ, उसे पूरा विश्वास है दैट अ डे विल कम, कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा व्हेन ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी के संघर्ष, जितने भी तरह के संघर्ष हर इंसान को झेलने पड़ते हैं, अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल एंड, अर्थात संसार के जितने भी लोग हैं उन सब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए हुए हैं, वो संघर्ष एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, एंड ऑल द पीपल विल एन्जॉय द पीसफुल स्टेट, और हर व्यक्ति, जब सभी के बीच में जो भी मतभेद हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, मतभेद या संघर्ष, वो सभी एक दिन दूर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तब हर व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकेगा, जिएगा. वी शैल लिव इन पीस, कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम शांति से रहेंगे और साथ साथ चलेंगे. इसीलिए कहा गया है होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन.
Now we have done the chapter. We have explained all the stanzas. Now we will move on to word meanings. Now here are some key words from this chapter. Let's recite again. First, overcome. 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 Next, afraid. 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 Next, believe. 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 Next, illusion. 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 Next, conflicts. 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 Next, fearlessness. 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 FEARLESS. Fearlessness. Last, attained. 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 Now, word meanings. First, overcome. Overcome means succeed. यानी के कामयाब होना, सफलता हासिल करना. Next, someday. Someday means one day or a day, यानी के एक दिन. Next, deep in my heart means undoubtedly. That means बिना किसी संदेह के, यानी पूरे विश्वास के साथ. Next, believe means confidence. That means विश्वास, पूरे भरोसे से. Next, hand in hand. That means together, एक साथ. Next, afraid. That means to fear, अर्थात बिना किसी डर के, अर्थात डर. Afraid, डर. Next, free. That means independent, यानी आजाद. Next, last, fearlessness. That means fear free or no fear, अर्थात बिना किसी डर के, यानी
निडर, निर्भय. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिवाइज कंप्लीट सॉन्ग एंड कीवर्ड्स, प्रैक्टिस ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्ड मीनिंग्स. लर्न द वर्ड मीनिंग, वर्ड एंड देयर मीनिंग्स, ओके? एंड डू इट इन योर नोटबुक्स इन नीट एंड इन टाइडी हैंडराइटिंग. क्लियर एवरीवन?